भाई ने थोड़ा चेंज कर लिया है, धूप लग रही थी ना यार गर्दन वर्दन में मुंह में, लेकिन मुंह तो फिर भी नहीं बच रहा यार, मुंह तो ऐसा जा रहा है ना पीछे से धूप पड़ रही है, आगे तो बच जा रहा है। इसको उल्टा पहनना था ना, उल्टा पहनना था हाँ, तो दिखता कैसे मुंह बच जाता था। इंग्लिश कैसा लगा सकते, लेकिन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी ना सर। हम बड़ा पुल से हम ब्रिज से पर आ चुके हैं, इसको क्रॉस करके। हाँ, मंदाकिनी नदी ने कहर बरसा रखा है। अब तो ऊपर हिमालय दिख रहा था पहले तक का, अब कोहरा लग गया है। हमारे दो साथी जो हैं वो ऊपर हैं, ऊपर हमारा वेट कर रहे हैं। एक ही आ रहा है, कहाँ बजे ये सामने से और बाकी पीछे। 10 किलोमीटर और है। 10 नहीं, अब 9 होगा। 9 किलोमीटर होगा। हाँ, बाकी दो साथी ऊपर रुक गए हैं हमारे, ऊपर से घोड़े फिराने के। अबे दिख 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 दिख, श्वेता को देख, श्वेता को देख कैसी तेजी आ गई, देख वीडियो बननी है, देखिए ओए श्वेता को देख, चले वीडियो बननी है करके कैसे तेजी, तो देख 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 देख। दोस्तों अब वीडियो का भार अनिल भाई के सर पे आ गया है, अब आगे की वीडियो ये बनाइए। ये सामने दिख रहा है ना, अभी यहीं जाना है हमने सामने पहाड़ी पे, यहाँ से है करीबन 6-7.5 किलोमीटर तक। इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें, कहीं जाए ना हम थोड़ा चढ़ाई में। गाइस जैसा कि देख रहे हो आप, नींबू और ग्लास सामने हमारे, ये नींबू पानी बनाया जा रहा है हम लोगों के लिए। इनने शॉर्ट्स पहन लिया आप, ये हमारे पंकज भाई हैं, ये हमारे ग्रुप के लीडर हैं। बाकी गाइस मिलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे। ये हमारे पंकज भाई, पंकज भाई बताइए फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है काफी। और वॉक करने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है कि जल्दी से जल्दी में उस जगह पे पहुंचूं और वो वाइब। अच्छा, तो कितने साल से सोच रहे थे आप यहाँ आने की? करीबन 7-8 साल हो गए, 7-8 साल पहले से था। तो कुल मिला के देखो यहाँ के नज़ारे देखो, और इनको ये ट्रैक दिखाइए। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे पंकज भाई, जो लोग ये घोड़ों में जा रहे हैं, खच्चरों में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? कोई जो है ना, मतलब जो लोग चल सकते हैं वो लोग तो भाई, तुम लोग चल सकते हो तो ये चलना ही चाहिए, क्यों? हाँ सही बात, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। अब तुम भाई फालतू में जानवरों को परेशान करो, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम्हारा परेशान हो रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं, पीट पीट के लेके आता है जबरदस्ती। सही बात है, कितने राउंड मारते हैं। बाकी फिर आगे मिलते हैं आपको और ऊपर जाके। जय शिव शंकर। अब यहाँ से बचा है 6 किलोमीटर, सामने बोर्ड देख सकते हो आप, थोड़ा ऊपर उठा के देख के चलो। रमेश भाई देखो, यहाँ गधे आ जा रहे, तो इनका टक्कर लग सकती है, है नहीं? बहुत मज़ा आ गया ये ट्रैक करने में। देखिए 6 किलोमीटर लगा है श्री केदारनाथ। पानी मार लो, मज़ा आ रहा है भाई, पानी मार लो, अलग ही एनर्जी फील होगी ना। हाँ, पानी वानी मार के सही कह रहा हूँ नहीं भाई? हाँ भाई, कितना किलोमीटर बचा है? अभी बचा है 5.5 किलोमीटर तो हुआ। 5.5 किलोमीटर है, और 5.5 किलोमीटर से पहले जो हमें दिखा भाई, ये देखो क्या बात है। और इसको देखते हैं, और ये देखिए चौपर जा रहा हमारे सर के ऊपर से। ये जा चुके अनिल भाई, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत? बैग में ले जा दूँ थोड़ी देर? पक्का ना? पक्का ना? ठीक है, बेटा ट्रैक में तो मजा है। हाँ सही बात है। ये देखो अनिल भाई, ये व्यू बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है, मज़ा आ गया इसमें। थोड़ा और बादल हट जाते हैं। हाँ बस ये कल सुबह देखेंगे, कल सुबह और तगड़ा लग गया। ये देखिए हमारे सामने से चौपर जा रहा है, कुछ ही पल में हम लोग होंगे केदारनाथ। ये सब पहाड़ लग रहे ना नीचे को तेरे। 3 किलोमीटर बचा गाइस,
कहाँ पहुँच गया हम? बस मंजिल के थोड़ी सी पास है। पास है ना? यहाँ का व्यू दिखाऊँ क्या? व्यू दिखा दो। ये देखो भाई, रमेश भाई, चलो लेट्स हैव अ ब्रेक। सो गाइस, अभी भी जो है 4 किलोमीटर बचा हुआ है। ये देखिए 4 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं। भाई लोग, ऐसा लग रहा है सीधा सीधा ये सामने एक मुझे दिख रहा पहाड़, वो थोड़ा चढ़ना पड़ेगा बस हल्का सा। उसके बाद सारे 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 जो ऊपर इधर लगे हुए हैं ना, ये सारे बेस कैंप ही है ना। हाँ वही तो है। साल में परिवर्तन हो चुका है गाइस। सी गाइस, सो गाइस फाइनली हम केदारनाथ के जस्ट पास में आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, से हेलो हेलो। फाइनली पहुंच गए केदारनाथ। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, लेकिन। हेलो सर, कुछ बताओ तो सही। फिर यहाँ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं, और वही भी अलग है। आपने लिखा है जय भोलेनाथ। सुबह 8 बजे से हम वॉकिंग करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर आगे जो दुकान थी हमारी वो सब कुछ जा चुकी है। बिल्कुल पहले हम लोग केदारनाथ पहुँच चुके हैं, जो देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है भाई लोगों? बढ़िया लग रहा है। केदारनाथ आके ऊपर आके एकदम एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई ना, बहुत थके थे ना। 10 घंटे के ट्रैक के बाद है, ट्रैक के बाद शांति लगी। ये देख रहे हो भाई लोग के पीछे अपना भोलेनाथ जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा सजाया गया है। दिवाली का टाइम चल रहा है और आज भीड़ बहुत ज्यादा है। आपको दिखाऊं तो ये है नंदी महाराज, आप देख रहे हो सामने को, द्वार की तरफ देख रहे हैं। हैप्पी दिवाली गाइस, जय श्री केदारनाथ। सो गाइस, अभी दिवाली है आज, तो आज देखो केदारनाथ में दिए जल रहे हैं। जितने भी लोग आए हैं सब दिए जला रहे हैं, चारों तरफ इसके दिए जल रहे हैं, चारों तरफ दिए जलते हुए दिख रहे हैं। मज़ा आ रहा है भाई? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है ना। यहाँ पे हिमालय पर दिख नहीं रहा है। हाँ सुबह हिमालय सुबह दिखेगा ना, जस्ट ट्रिक बगल पे है। बाकी सब यहाँ दिए जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं सब लोग, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं महादेव के साथ। क्यों? और ये वही पत्थर था है? जिस ये वही पत्थर है, नाग पत्थर, जिससे जब वो आपदा आई थी तो पानी तो इससे पानी कट गया था ना। ये वाला पत्थर था ना, मंदिर के ऊपर से गया था पानी, और मंदिर कितना ऊंचा है और पत्थर कितना सा है। ये भी नहीं, यही पे था पत्थर लगा क्या, और यहीं पे अटक गया, मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, मंदिर तक भी नहीं, इतना ज्यादा स्पेस है बीच में, अटका भी यहीं पे हो जस्ट ना। और पानी उसके कट गया है, पानी इससे होते हुए कट के ऊपर से बाउंस खाते हुए बिल्कुल ना, ऐसा ही था। बोले बम बम 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 बोले बम बम
चाय पी लेते हैं क्यों? खाना तो है पर लेसन के बाद क्यों रमेश भाई? मैंग से मंगा चाय, बहुत बढ़िया भैया जी। वही बोल रहा ना, बहुत बढ़िया चाय, मुझे चाय नहीं पीता। और भैया भी बहुत बढ़िया।